इसके पहले तक साउथ मूवीज को सिर्फ साउथ में ही देखा जाता था, वहीं पे ही उनका क्रेज होता था। लेकिन कुछ सुपर्ब एक्टर्स की वजह से आज साउथ मूवीज को ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में देखा जा रहा है और सराहा भी जा रहा है। उनमें से एक सुपरस्टार का नाम है अल्लू अर्जुन। बंदे की एक मूवी रिलीज हुई जिसका नाम है अंगू वेकुंठ पुराथु। मुझे मलयालम बिल्कुल नहीं आती, लेकिन उस बंदे की कॉमेडी पे मैं खूब हंसा, उस बंदे के इमोशनल सीन्स पे मैं खूब इमोशनल हुआ, और उस बंदे की डांस का तो जवाब ही नहीं है। 3 दिन से मेरी कार में उसी मूवी का गाना बज रहा है, जिस मूवी के लिरिक्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। देख रहे हो, मतलब ये क्रेज है उस बंदे का। सो अल्लू अर्जुन, जिसे हम स्टाइलिश स्टार भी कहते हैं, उस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है। येस बैंक के साथ जो हुआ उस चक्कर में फोन पे ऐप फंस गया, क्योंकि उनके ज्यादातर ट्रांजैक्शन येस बैंक के साथ होते थे। अब 6 मार्च को अचानक से फोन पे ऐप ठप पड़ गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई। अब इसका फायदा उठाते हुए उनके राइवल पेटीएम ने ट्वीट करते हुए कहा कि डियर फोन पे, पेटीएम सबको अपनाता है, हम आपके कामकाज को संभालने में सक्षम है, हमें आपको सुधारने का मौका दीजिए। इस बात पे फोन पे ने रीट्वीट करते हुए कहा कि डियर पेटीएम, अगर आपका कामकाज इतना ही अच्छा होता तो हम पहले से बोल चुके होते। और उसके बाद जो उन्होंने लिखा वो आप लोगों को सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में अपने साथियों को छोड़ने की तेजी किस काम की, फोम इज टेम्परेरी बट क्लास इज परमानेंट। सो गाइस, यहां सीखने लायक बात ये है कि संकट की घड़ियां आती जाती रहती हैं। इस सिचुएशन में अपने साथियों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। वो बचपन से ही बोलने में हकलाता था, इसलिए उसे स्कूल जाने तक में डर लगता था, क्योंकि उसके स्कूल के सारे दोस्त उसे चिढ़ाया करते थे। एक दिन उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता है। इस बात पे उसके दोस्त ने रिप्लाई किया कि तू एक लाइन तो ढंग से बोल नहीं पाता, तू एक्टर कहां से बनेगा। ये बात उसके दिल को लग गई और तब उसने स्पीच थेरेपी करने की सोची और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट भी आने लगी। इसके एक्टर बनने की बात उसके डायरेक्टर पिता को भी पता थी, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन एक दिन पिताजी जब कहो ना प्यारे की स्क्रिप्ट लेके शाहरुख खान के पास गए तो उसने उसे करने से मना कर दिया। आनन फानन में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च करने की सोची, और जब 2000 में कहो ना प्यारे रिलीज हुई तो ये लड़का रातों रात स्टार बन गया। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट एशियाज हैंडसम हंक, मोस्ट सुपर्ब डांसर एंड मोस्ट सुपर्ब एक्टर ऋतिक रोशन। गाइस, डिफिकल्टीज हर किसी के लाइफ में आती हैं, लेकिन उसे फेस करने वाला ही सुपरस्टार बनता है। जब वो मात्र 14 साल का था तो उसके माता पिता का डिवोर्स हो गया। उसके बाद उसकी माँ को और उसे बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जहां घर का खर्च निकालने के लिए उसकी माँ को दूसरों के यहाँ काम करना पड़ा, वहीं उसे भी घर घर जाकर, बसों में जाकर स्कूली सामान बेचना पड़ा और छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ा। इस वजह से उसकी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। उसने कॉलेज ड्रॉप आउट तो कर दिया था, लेकिन सीखना नहीं छोड़ा था। पार्ट टाइम जॉब करते करते उसने वेब डिजाइनिंग सीखी और उस पर अपना करियर बनाने की सोची। बहुत सारी असफलताओं के बाद भी उसने हार नहीं मानी और फाइनली आज वो बंदा ज्ञानी पंडित जैसी वेबसाइट्स का मालिक है और बहुत सारे विजिटर्स उसकी साइट्स पर विजिट करते हैं। इनफैक्ट गूगल ने कम से कम 3 से 4 बार उसे अपने प्रोग्राम्स में इनवाइट भी किया है। महाराष्ट्र के छोटे से शहर अकोला से निकले मयूर खरपकार के लिए एक हार्ट तो बनता है। चाइना में 11 साल का बच्चा था जिसका नाम था लियांग याओई। अचानक से उसे पता लगा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और अब वो बच नहीं सकता। उसके बाद जो उसने अपनी मां को कहा वो आप लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसने अपनी मां को कहा कि मैं जानता हूं कि अब मैं बच नहीं सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं भी दूसरों के लिए कुछ करके मरना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे सारे ऑर्गन्स डोनेट कर दिए जाएं। और गाइस, हुआ भी कुछ यूं ही। डॉक्टर्स ने उसके सारे ऑर्गन्स जरूरतमंदों को डोनेट किए और मरणोपरांत उसके शव के आगे सभी डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सर झुकाकर उसे नमन किया। मैं भी इंसानियत का पैगाम देने वाले उस छोटे से बच्चे को सर झुका के नमन करता हूं। क्या आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपुल का करेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था।
दो साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइज, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइज, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको मत और आगे बढ़ते रहो। कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाए तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर वन, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर टू, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर तीन, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर चार, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर पांच, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। करोना नमस्ते।